गुवार की फसल के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, पर आपको ये पता है कि गुवार की फसल का यूज क्या होता है? क्या आपने सोचा है कि गुवार से क्या बनता है? हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो क्या हालचाल है, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फन नॉलेज में। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ वाली टली भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुवार का जो वैज्ञानिक नेम है वो है साया मोटिसस टेट्रागोनोलोबस, और इसको इंग्लिश में कस्टर बीन कहते हैं, और भारत में इसे चरफली के नाम से भी जानते हैं। तेलुगु में इसे गोरू चिकुडू, और कर्नाटक में गोरी काइची, और तमिल में ये पता नहीं क्या है, ये जो नाम है इस नामों से इनको अलग अलग जगह पर जानते हैं। तो ये तो बात होगी इसके अलग अलग नाम होगी, तो अब बात करते हैं इसके यूज की। तो गुवार का जो लगभग 80% उत्पादन है वो तो अपने भारत में ही होता है। अगर इसके घरेलू यूज की बात करें तो इसका घरेलू तौर पर यूज तो सब्जी बनाने में होता है। गुवार की जो फलियां होती है उसको तोड़कर हरी सब्जियों के रूप में यूज किया जाता है। तो अब इसके मेन यूज की बात करते हैं, तो इसका जो मेन यूज होता है वो होता है गोंद बनाने में। तो जो गोंद होती है, इससे गोंद जो बनती है उसको कहते हैं ग्लेक्टोमेनन, जो इसके अंदर गोंद पाई जाती है। और इस गोंद का यूज दूध से बनने वाले पदार्थ जैसे पनीर और आइसक्रीम में किया जाता है। जो अपने आइसक्रीम बाज़ार से खाते हैं या फिर जो वो आती है ना कप्स में आइसक्रीम, उस चीज़ में इसका यूज किया जाता है। तो इसके साथ साथ गुवार का यूज दवाइयों बनाने में और व्यंजकों के रूप में भी किया जाता है, जैसे पेस्ट और भी कई दवाइयां जैसे कि गुवार से बनाई जाती हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और बढ़िया सी फन और नॉलेज वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ वाली टली भी दबा दे ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।